Happy Father's Day! अस्सलामुअलैकुम, एक और न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। तो जी ये था फादर्स डे वाला दिन और मैंने इस दिन घर पे बनाया था ख़ुद केक। तो मैं बनाती हूँ लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी क्रीम केक और इससे पहले मैंने कभी क्रीम केक नहीं बनाया था। जो केक के इंग्रेडिएंट्स थे वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने दिया 1 टेबलस्पून जो है वो बेकिंग सोडा और 1/3 कप मैंने यहाँ पर लिया कॉर्नफ्लोर और 1 कप मैंने लिया यहाँ पर मैदा। और इन तमाम चीज़ों को मैंने जो है वो छान लिया ताकि कोई लम्स ना बने। इसके अलावा मैंने लिए 4 अंडे और यहाँ पे मैंने 1/2 कप ली शुगर। और शुगर में अच्छी तरीके से मैं अंडों को बीट कर रही हूँ। इस टाइम आप देखिए कि कलर काफ़ी चेंज है और जैसे जैसे मैं बीट करती रहूँगी तो कलर जो है वो लाइट होता जाएगा। और साथ ही मैं अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो वनीला एसेंस शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरीके से जो है वो बीट करूंगी। इतना बीट कर लूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो बैटर जो है वो हमारा केक का रेडी हो जाए। अब जो मैंने ड्राई मिक्सचर बनाया है अब मैं उसे मिक्स करूंगी, लेकिन पहले यहाँ मैं इसे अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी। और जो मैंने ड्राई मिक्सचर बनाया है 3 चीज़ों को, उसको मैं एक साथ जो है वो नहीं डालूँगी बल्कि 2-2, 3-3 टेबलस्पून जो है वो मैं करके डालूंगी इसमें और अच्छी तरीके से इसको मैं बीटर में बीट कर लूँगी ताकि तमाम जो है वो चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और लम्स ना बने। तो मैंने इनको काफ़ी देर तक बीट करती रही हूँ और थोड़ा थोड़ा जो है वो मैंने इसमें ड्राई जो मैंने चीज़ें बनाई थी वो डाल के जो है इसे अच्छी तरीके से मैं बीट कर रही हूँ। तो जनाब केक तो बन रहा है फादर्स डे के लिए और अगर हस्बैंड से ही केक मंगवाती तो फिर वो बात नहीं होती, तो मैंने सोचा कि घर पे ही केक बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं केक में शामिल कर रही हूँ 1/3 कुकिंग ऑयल। आपकी मर्ज़ी, आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और बटर भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन बैटर काफ़ी थिक था तो उसको जो है वो थिन करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाटर यूज़ करूँगी, लेकिन वाटर मैं इसमें ठंडा नहीं डालूँगी बल्कि वाटर को मैं यहाँ पे गर्म कर लूँगी और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे वाटर डालूँगी ताकि बहुत ही जो है वो थिन सा जो है वो मेरा बैटर रेडी हो जाए। तो बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है और मैंने इसको जो है वो पैन में डाल दिया है और अब पैन में इसको अच्छी तरीके से मैं डालने के बाद इसको जो है वो टैप टैप कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना बने या कोई बबल ना रहे, ताकि मेरा अच्छे से केक जो है वो कुक हो जाए। अच्छा, यहाँ मैंने प्री हीट किया हुआ था। ऐसे आप केक बनाते हुए ओवन नहीं यूज़ करेंगे जब तक वो प्री हीट ना हो। और 170 डिग्री पे मैंने इसको जो है 35 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है और 5 से 7 मिनट में देखिए मेरा केक जो है वो फूल के ऊपर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ ज़बरदस्त सा खाना और खाने में आज बना रही हूँ चिकन शाशलिक विद ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली थी, उसमें मैंने जो है वो सोया सॉस और विनेगर ऐड किया। उसके अलावा 4 स्पाइस डाले, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और मेरे पास लहसुन और अदरक का पाउडर था। अगर आप लोगों के पास पाउडर ना हो तो आप लोग जो है पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च और नमक। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया। वहाँ केक मेरा रेडी हो रहा था और अब मैं यहाँ पे जो है चिकन शाशलिक विद ग्रेवी को रेडी कर लूँगी क्योंकि तकरीबन हस्बैंड के आने में थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो मैंने कहा साथ साथ जो है वो डिनर की प्रिपरेशन भी कर लें और उनको सरप्राइज़ दिया जाए। तो जो मैरिनेट किया हुआ मसाला था मैंने उसमें ऑयल शामिल किया कढ़ाई में और वो तमाम मसाला अच्छे से डाल दिया और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो इसको ढक दिया। इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, जो चिकन ने अपने पानी छोड़ा उसी में ही ये कुक हो जाएगी क्योंकि मैंने क्यूब्स की शक्ल में जो है वो चिकन को कट किया था। और चिकन का पानी यहाँ पे ड्राई हो गया और अपने ही पानी में जो है चिकन भी जो है वो पक के रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसमें 3 सब्ज़ियाँ ऐड की हैं, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और जो है वो प्याज। उनको भी मैंने अच्छी तरीके से इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैं पूरी सब्जियों को पकाऊंगी नहीं, बस उनको थोड़ा सा कच्चा रहने दूंगी और मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी। अब यहाँ पे जो है ये चिकन और वेजिटेबल जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसका ग्रेवी रेडी करूँगी। तो ग्रेवी के लिए जो ये चिकन मेरी रेडी हुई है उसको मैं निकाल लूँगी और इसी में जो है मैं इसी कढ़ाई में जो है मैं ग्रेवी को रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने फिर 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और जब लहसुन अदरक का पेस्ट सौते हो जाएगा, 1 टमाटर को मैंने लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। और साथ साथ मैं जो है यूज़ करती हूँ टोमेटो पेस्ट, तो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें टोमेटो पेस्ट भी शामिल कर लूँगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसमें मैं शामिल करूँगी स्पाइस। स्पाइस पे मैं डालूंगी इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर और सॉल्ट, और इसे अच्छे से जो है मैं मिक्स कर लूँगी। तो स्पाइस शामिल करने के बाद जो है मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद चिकन क्यूब्स। तो क्योंकि चिकन क्यूब्स डालने से जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा और ग्रेवी जो है हमारी बड़ी ही मज़ेदार लगेगी। तो तमाम स्पाइस भी मैंने इसमें शामिल किए हैं और 1 चिकन क्यूब्स डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको जो है वो भून लिया है। और थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी ताकि मसाला जो है वो मेरा जले नहीं, और थोड़ा सा नमक भी शामिल करूँगी क्योंकि ग्रेवी में नमक नहीं होगा, चिकन में तो नमक है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मैंने इसमें शामिल किया है सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और 1 अदद डाल दूँगी चिकन क्यूब्स, देखिए। और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पानी भी शामिल करती रहूँगी साथ साथ ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मेरी ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब ग्रेवी को थिक करने के लिए मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर लूँगी और उसको पानी में जो इसकी सैलरी बना लूँगी और इसमें शामिल करके मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी को कर लूँगी रेडी। तो जब मेरी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाएगी तो मैं इसमें जो मैंने चिकन वेजिटेबल्स वगैरह कुक की हुई थी मैं इनमें वो भी शामिल कर दूंगी और इसे अच्छे से बनाऊंगी और इसे अच्छे से पकाऊंगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। तो ज़बरदस्त सी कोई जो है वो मेरी चिकन शाशलिक विद ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो दिखने में तो बहुत ही लजीज़ लग रही है और इस टाइम इतना कोई ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी कि ना ही पूछें। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा डिनर भी रेडी हो रहा था और केक यहाँ पे जो है वो 35 मिनट हो गए थे तो मैंने उसे निकाल लिया है और उसको ठंडा करने के लिए रख लिया है। केक का प्रोसेस हम करेंगे बाद में। और अब साथ के साथ मैं बनाऊँगी यहाँ पे ज़बरदस्त से राइस, क्योंकि चिकन शाशलिक विद ग्रेवी या तो राइस के साथ ही अच्छी लगेगी, वैसे तो अच्छी नहीं लगेगी। और मेरी फैमिली इतने शौक़ से जो है वो फ्राइड राइस नहीं खाती है तो मैं इसलिए प्लेन मटर वाली जो है वो राइस बनाऊंगी इसके साथ। उसके लिए मैंने पतीली में लिया है 4 से 5 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल, उसमें मैंने लहसुन अदरक शामिल किया है, उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब लहसुन अदरक सौते हो जाएंगे तो मैं उसमें शामिल कर दूँगी मटर, सिंपल मटर डालूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी। मैं फ्रोज़न मटर यूज़ करती हूँ तो मैंने उसी टाइम मटर निकाले हैं वो डाल दिया है इसमें। और साथ के साथ मैं 1 अदद क्यूब्स डालूँगी और जो है वो अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और मटर में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रीज़ मटर जो है ख़ुद ही जो है दम में जो है वो गल जाएंगे। तो यहाँ मैं इसमें अच्छी तरीके से क्यूब्स को मिक्स कर दूंगी और इसको ढक्कन दे दूंगी ताकि जो है वो मेरे मटर जो है वो गल जाएं। जब मटर थोड़े से गल जाएं तो फिर मैं इसमें चावलों के हिसाब से नमक शामिल करूंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। जितने मेरे चावल थे, मैंने 2 कप पानी, 2 कप चावल थे तो मैं इसमें 4 कप पानी डालूंगी और पानी के बॉयल होने का वेट करूंगी। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर जो मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए हैं मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। तो यहाँ मैंने ढक दिया इसको और चावलों पानी पे बॉयल आ चुका है और मटर भी मेरे जो है उस पानी के बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो गल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी जो मैंने आधा घंटा पहले जो है वाइट राइस भिगा के रखे हुए थे और इसको इतना पकाऊंगी कि पानी जो है वो आधा रह जाए। अब मैं यहाँ पे दम दे दूँगी। तो ज़बरदस्त से मेरे राइस भी हो गए रेडी। तो डिनर यहाँ पे रेडी हो चुका था और केक भी जो है वो ठंडा हो चुका था। गरम गरम केक मुझे नहीं कट करना था तो यहाँ मैंने केक को देखिए कितना बेहतरीन, इतना कोई ज़बरदस्त केक बना था। क्योंकि केक तो मैं हमेशा बनाती हूँ लेकिन क्रीम केक जो है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको तह लगाने के लिए यानी कि इसके पार्ट करने के लिए केक को जो है मैं 3 जो है ना पोर्शंस में कट कर लूँगी। तो एक पोर्शन मैंने कट किया है, देखिए ज़बरदस्त सा अंदर से भी फुल कुक हुआ है और केक वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है मेरे दुख की, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम क्रीम केक बना रही थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने सुबह से 5-6 वीडियो देख चुकी थी और मुझे लग रहा था कि मैं क्रीम ईज़ीली रेडी कर लूँगी, क्योंकि मैं जो भी चीज़ देखती हूँ ईज़िली बना लेती हूँ। पर यहाँ मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पर ली विपिंग क्रीम और 500 ग्राम विपिंग क्रीम ली और उसमें लिखा हुआ था कि 3 टेबलस्पून मैंने जो है वो आइसिंग शुगर ऐड करनी थी। आइसिंग शुगर मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहाँ पे शुगर जो है उसको जो है वो ब्लेंड कर लिया था, तो उसका पाउडर बना लिया था। तो 3 चम्मच यहाँ पे मैंने जो है शुगर भी ऐड की और इसे अच्छी तरीके से बीटर से मिक्स किया। मुझे तकरीबन लिखा गया था कि 20 मिनट जो है इसको मिक्स करना है। यहाँ हस्बैंड भी आ चुके थे और 20 से 25 मिनट तक मैं बीट करती रही। मजबूरन मुझे हस्बैंड को भी बताना पड़ा कि अली साहब ये तो क्रीम बन ही नहीं रही है, तो अब इसका क्या किया जाए। तो यहाँ जो है अली ने भी मेरी हेल्प की और कहा कि मुझे दो, मैं बीट करता हूँ, बन जाएगी। तो सारा सरप्राइज़ भी हो गया ख़राब और क्रीम भी नहीं बन सकी। तो काफ़ी देर हो रहा था। तो यहाँ हमारा डिनर हो चुका है रेडी। तो मैंने यहाँ अपनी प्लेट सजा ली थी और मूड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था मेरा, क्योंकि केक बिल्कुल भी जैसा मैं चाह रही थी वैसा बिल्कुल नहीं बना था। तो खाना खाने के बाद फिर हमने एक छोटी सी फादर्स डे की सेलिब्रेशन की। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में फ़ातिमा ने अपने बाबा का केक जो है वो कट कराया जो मैंने बनाया था, और वो ऐसी क्रीम तो नहीं बन सकी, लेकिन फिर भी मैंने केक को कुछ ना कुछ कर लिया। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हैप्पी फादर्स डे, फादर्स डे, फातिमा बाबा के घर आयो ता प्रिंकल्स या हला वाह वाह इकरम ओ नाइस प्रिंकली 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 काईनी प्रिंकली प्रिंकली फातिमा बाबा के घर आयो वाने फातिमा बाबा के घर आया हेलो 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 वेरी नाइस मोका फातिमा मामा